अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए, मैंने सफाई कर ली और सफाई करने के बाद ये भुट्टा लाए थे हमारे हस्बैंड, तो ये थोड़ा सा बचा ली मैं उसके पत्ते इसके रैबिट के लिए, तो मैं रैबिट को ये पत्ते दूंगी बाद में। और ये देखिए बर्तन इतना सारा रखा हुआ है, तो मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड आज मैं नहीं भेजी बच्चों को स्कूल, क्योंकि मैं ना अलार्म बजा फिर मैं सो ही रह गई, उठ नहीं पाई, तो इसलिए बच्चे आज स्कूल नहीं जा पाए। और फिर बस ऐसा ही उठी और काम में लग गई। और फ्रेंड हमारा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैंने सोचा कि आज शूट ना करूं, लेकिन फिर फ्रेंड आप लोगों का ख्याल आ गया कि आप लोग हमारे वीडियो का इंतजार करते हैं हमारे ब्लॉग से का, तो इसलिए मैंने सोचा कि शूट कर लूं। तो हमारा बातों में बर्तन तो धुल गया और फ्रेंड फिर बर्तन ये सब रख देती हूँ, इसमें आसानी हो जाती है निकाल के यूज़ करने में, और अगर फैला होता है तो फिर सही नहीं रहता है फ्रेंड। तो इसलिए मैं देखिए सारा बर्तन इसमें लगा दें। और ये देखिए हमारा ना आज जो सिंक है वो जाम हो गया है, तो इसे सफाई करना पड़ेगा फ्रेंड। ये देखिए ये जाम हो गया, तो इसे सफाई करना पड़ेगा। और हमारे हस्बैंड लाए थे भुट्टा, तो सबने भुट्टा खा लिया, तो ये हमारा ही बचा हुआ था, तो हस्बैंड ने कहा कि आप खा लीजिए, तो फिर मैं कही कि मैं बाद में खाऊंगी, अभी तो मुंह धुली नहीं हूँ। और ये देखिए मैं आज फ्रेंड मैं दाल चावल बना रही हूँ, रोटी आज नहीं बना रही, इसलिए कि रात की खीर और छोला और भुट्टा ये सब बचा हुआ था, तो वही सबसे नाश्ता हो गया। नाश्ता तो खैर हल्का फुल्का ही होता है फ्रेंड, तो मैंने सोचा कि आज डायरेक्ट दाल चावल ही बना दूं। तो मैं यहाँ चावल चढ़ा रही, थोड़ा ही चावल बना रही हूँ फ्रेंड, तो पानी मैं ज़्यादा डालती हूँ चावल में कि गीला ना हो जाए, क्योंकि स्टिकी चावल ना अच्छा नहीं लगता है, बेकार सा लगता है, लेकिन चाइनीज लोग स्टिकी ही चावल खाते हैं ज़्यादा, उन लोग स्टिकी चावल ही पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं हम लोग स्टिकी चावल नहीं पसंद करते, खासकर मुझे नहीं पसंद है। और ये देखिए फ्रेंड मैं दाल बनाने लगी हूँ, तो ये देखिए दाल आज अरहर की बना रही हूँ, क्योंकि बस चेंज करके इंसान को खाना ही चाहिए। और ये देखिए मैं लहसुन के क्लॉप्स डाल रही हूँ, और इससे फ्लेवर अच्छा आता है फ्रेंड, और अरहर की दाल में तो लहसुन डालना ही चाहिए, और हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, बस हो गया हमारा दाल। और ये देखिए मैं नमक डाल दी और चढ़ा दी, और उसके बाद में मैं तड़का लगाऊंगी जब दाल बन जाएगा तो। और फ्रेंड टमाटर तो इतना महंगा हो गया, तो खैर टमाटर से तो तड़का नहीं लगाऊंगी, प्याज से लगाऊंगी, तो जब लगाऊंगी तो दिखाऊंगी। और मैं गई ब्रश करने, और ये देखिए फ्रेंड पूरा भरा हुआ था ये खीर, तो ये देखिए बच्चे खाने लगे खीर, ये बैठकर खीर बहुत पसंद आए इन लोग को। खीर मैं आपने देखा ही होगा फ्रेंड, खीर मैं तो कल ही बनाई थी, तो वही बचा था। और हमारा चावल रेडी हो गया है, बस ये दाल चढ़ा हुआ है, और मैं अब आज ये नेनुआ बनाऊंगी फ्रेंड, तो नेनुआ की भुजिया बनाऊंगी सिंपल सा। और ये देखिए फ्रेंड मैं भी थोड़ा खीर टेस्ट करने लगी, फिर मैं अपने लिए जो भुट्टा था वो मैं भूनने लगी, क्योंकि मुझे भुट्टा अच्छा लगता है फ्रेंड, और भी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट जो भुट्टा होता है ना वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है। और हस्बैंड लाए हैं देखिए नेनुआ कितना मोटा मोटा, मैंने कहा भाई इतना मोटा मोटा नेनुआ आपने क्यों लाया, तो बोले कि चलो ले आए अगली बार से ऐसा नहीं होगा, हम बोले चलिए कोई बात नहीं आ गया तो कोई बात। और मैं नेनुआ छीलने लगी तो हस्बैंड को कही कि आप भी छील दीजिए, इतना सारा छीलने में परेशानी हो रहा, तो वो भी बैठकर छीलने लगे, हेल्प करने लगे, बहुत स्वीट हैं तो इसलिए छील दे रहे हैं। मैं फिर ये नेनुआ छीली गया तो मैं इसे वॉश कर लेती हूँ अच्छे से, और फिर इसे कट करूंगी, क्योंकि पहले ही मैं सब्जी को वॉश कर लेती हूँ फ्रेंड, सब्जी कट करने के बाद वॉश नहीं करती, क्योंकि जितनी भी उसकी विटामिन होती है वो निकल जाती है, इसलिए मैं। और फिर उसमें पानी भी ज्यादा छोड़ देता है, और एक तो इतना मोटा मोटा है ही, ऊपर से और पानी छोड़ देगा धुलने के बाद। मैं कट कर ली, और प्याज भी कट कर ली, मिर्ची भी, ये देखिए सब कुछ मैंने कट कर लिया। अब देखिए इसमें प्याज डालूंगी, तेल देखिए कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया फ्रेंड, देर हो गया उसे कढ़ाई को रखते हुए, तो देखिए ज्यादा गर्म हो गया, तो मैंने प्याज डाल दी।
और इसे मैं प्याज लाल कर लूंगी अच्छे से फ्राई कर। तो ये देखिए मैं मिर्ची भी डाल दी, प्याज थोड़ा लाल हो गया था तब मिर्ची डाली फिर। और ये देखिए मैं नेनुआ डाल दे रही हूँ, तो नेनुआ डालकर फिर इसे हल्का सा पहले हल्की आंच पे रखूंगी फ्रेंड सिम पर, उसके बाद में फिर हाई फ्लेम करूंगी, क्योंकि अगर सिम पे कर दूंगी तो ये पानी छोड़ देगा अच्छे से और ये नीचे चला जाएगा पूरा, ऊपर ऊपर नेनुआ है तो फिर चलाने में भी आसानी होगी। और इसमें नमक डाल दूंगी थोड़ा सा तो फिर बनता रहेगा। और ये देखिए हमारा दाल गल के रेडी हो गया। और फ्रेंड ये दाल पतली है क्योंकि हमारे यहाँ सब पतला ही दाल पसंद करते हैं, गाढ़ी दाल हमें हमारे यहाँ नहीं पसंद करते। ये देखिए फ्रेंड्स मैं हैंड मैशर से मैश कर रही हूँ दाल को, तो ये देखिए मैश कर ली हूँ। और इसमें अब मैं तड़का लगाऊंगी, तो ये देखिए तड़का लगाने के लिए रेडी है। प्याज है और हरी मिर्चा और ये जीरा है, क्योंकि अगर अरहर की दाल में जीरे का आप तड़का लगाएंगे तो उससे एक अलग फ्लेवर आता है और उससे खुशबू अच्छा हो जाता है फ्रेंड, तो इसलिए मैंने जीरे से तड़का लगा रही हूँ। ये देखिए अब रेडी ही होने वाला है थोड़ा सा और थोड़ा मैं इसे डार्क करके तड़का लगाऊंगी क्योंकि उससे दाल में सूंधापन आएगा। ये देखिए थोड़ा डार्क कर दी मैं प्याज को, तो मैं अब तड़का लगाने वाली हूँ। और ये देखिए तड़का लगाने पे आवाज कितनी तेज करता है फ्रेंड, उड़ने भी लगता है। मैंने फौरन ढक्कन लगा दी इसलिए कि छींटे पड़ रहे थे दाल के, तो और ढक भी देना चाहिए क्योंकि नहीं तो इसकी खुशबू सारी चली जाती है बाहर भाप के जरिए, तो इसलिए मैंने फौरन ढक दी तड़का लगाने के बाद। और दाल चावल तो हमारा रेडी ही हो गया, अब हमारा नेनुआ बनने वाला। ये देखिए कितना गल गया फ्रेंड, पूरा सॉफ्ट हो गया ना। अब इसे मैं थोड़ा तेज करके बनाऊंगी क्योंकि इसमें पानी ज्यादा छोड़ता है, और उतना भी तेज नहीं करूंगी, मीडियम पे रखूंगी तो पानी ज्यादा छोड़ता है फ्रेंड। और फिर मैं रूम में चली आई है, ये देखिए बिस्तर सेट कर दी पूरा फैला हुआ था। और देखिए हमारा भाई का बुक है, इसे कवरिंग करने के लिए बच्चों ने रखा है, तो ये देखिए ये। तो फिर मैं कपड़ा इतना सारा रखा था फ्रेंड, तो मैंने सोचा कि कपड़ा फोल्ड कर दूं, फिर सोचा नहीं जब भुजिया बन जाएगा तभी फोल्ड करूंगी। तो ये देखिए भुजिया हमारा रेडी है, मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल दी हूँ, तो ब्लैक पेपर से टेस्ट अच्छा था। अगर ब्लैक पेपर इसमें नहीं डालेंगे फ्रेंड तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, मेन जो इसका इंग्रेडिएंट्स है ब्लैक पेपर ही है, तो इसीलिए मैंने ब्लैक पेपर डाल दी। और ये देखिए सबका खाना मैंने निकाल दी, और खाना मैं खाते हुए शूट नहीं कर पाई कर पाऊंगी इसलिए फ्रेंड की ये सारे जो मजदूर लगे हुए हैं वहां पे तो अच्छा नहीं लगता है आने जाने में बीच में, तो इसलिए मैं खाना निकाल के अपने भाई सोहेल को दे दी। देखिए सोहेल प्लेट लेकर खड़ा है, तो बोला ना उसने कि हमारा फोटो नहीं लेना है, वीडियो नहीं बनाना है, तो मैंने आधा ही ली। और ये देखिए फ्रेंड सारा क्लीन तो हो गया, अब देखिए कपड़ा फोल्ड करने लगी मैं, और बहुत सारा कपड़ा था फ्रेंड, करते करते टाइम लग गया। तो ये देखिए सब का, बच्चों का, हस्बैंड का, अपना सब, और हमारे दोनों भाई का, सबका अलग अलग कपड़ा रखती हूँ फ्रेंड, ताकि अगर बच्चे को बोलूँ कि जाओ नहा कर कपड़ा पहन लो तो बोल ढूंढना ना पड़े, सब अपना अपना कपड़ा पहन यूज कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने सबका अलग अलग फोल्ड करके रख देती हूँ। और ये देखिए हमारा अब रेडी ही होने वाला है। और फ्रेंड कपड़ा जो है डेली, अगर आप डेली धुलें डेली फोल्ड करें तो भी कम है, इतना ज्यादा कपड़ा निकल जाता है जिसका कोई कहना नहीं है। और ये देखिए सारा कुछ रेडी हो गया, अभी इसे मैं फटाफट से रख लूंगी। तो चादर भी कई कई हो गया था फ्रेंड, तो ये मैं रैक पे लगा दे रही हूँ। हमारे पास तो खैर अलमारी तो है नहीं, चाहे कबर्ड तो है नहीं, तो मैं रैक पे ही पर्दा लगा दी हूँ फ्रेंड कि डस्ट से बचा रहे कपड़ा, फिर भी इधर उधर से आ ही जाता है, अलमारी जैसा तो नहीं रहेगा फ्रेंड, लेकिन फिर भी सेफ्टी है, तो मैं यहाँ कपड़ा रख दी। और सारा काम तो हो गया, ये देखिए मैं सारा काम कर ली, कपड़ा भी कर लिया। अब मैं बच्चों को थोड़ा पढ़ा लूंगी फिर, क्योंकि बच्चे बहुत लापरवाही कर रहे हैं पढ़ने में, तो मैं उन्हें पढ़ने बैठा दी। और ਬ੍ਰਾਊਨ ਮੁੰਡੇ ਕਰ ਦੂੰ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੀ
मैं छत शूट कर रही हूँ। ये देखिए हमारा टिल्लू, इसका नाम टिल्लू है, तो ये बोला कि हमारा भी वीडियो बनाइए, तो मैंने इनकी भी वीडियो बना दिया। कितना बैठा हुआ है, कितना अच्छे से वीडियो बनवा रहा है। और ये देखिए फ्रेंड हमारा नकाब दिखा दी, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और ये देखिए फ्रेंड हमारे घर के पास का व्यू देखिए, दो दो पाउंड है, और ये ग्राउंड है, ग्राउंड में देखिए वो हॉर्स चल रहे हैं और बहुत सारे आदमी हैं दूर दूर बैठे हुए। ये देखिए कितना क्लाउडी क्लाउडी आसमान हो रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है, और मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है फ्रेंड, घूमने के लायक मौसम है। ये देखिए हमारे आसपास कितने अच्छे अच्छे घर भी बने हुए हैं और बहुत आबादी है। और ये देखिए हमारा भाई लाया था चप्पल, तो ये भी मैंने दिखा दी, कितना प्यारा फ्रेंड। तो फिर फ्रेंड रखती हूँ, इसीलिए लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और देखिए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, तो आप कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे फ्रेंड, तो और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और ये देखिए चप्पल पैर में पहनने से कितना प्यारा लग रहा है ना, ये देखिए। तो और मैं क्या ही कहूँ फ्रेंड, ये देखिए चप्पल और ये टसल लगे हुए हैं, डेहली का चप्पल है, ज़्यादा रेट नहीं है फ्रेंड, ये सिर्फ 150 का है। तो ठीक है फ्रेंड, मैं यहीं पहन करती हूँ। अल्लाह हाफिज।